Hello students, welcome to our channel. If you want to keep in touch with the channel, then please like, subscribe and click the bell icon. आज करते हैं biology 10th class के chapter 11 का lecture number 8, that is kidney disorders. What is meant by kidney disorders? Kidney disorders mean when kidneys are not working normally and they become out of order. How many types of kidney disorders are there? Number 1, kidney stones. Number 2, kidney failure. किडनी स्टोन्स मीन किडनी के अंदर स्टोन्स का बन जाना या पथरी का बन जाना. एंड किडनी फेलियर मीन कि किडनी का नॉर्मल फंक्शनिंग का डिस्टर्ब हो जाना या किडनी के फंक्शनिंग का अफेक्ट हो जाना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन्स को. अब ये किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं किडनी के अंदर? व्हेन यूरिन बिकम्स कंसंट्रेटेड, लार्ज साइज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स formed and cannot pass in the urine. We know very well के हमारे blood के अंदर water के साथ साथ दूसरे metabolic waste और salts की concentration जो है वो maximum present होती है. जब urine के अंदर salt की quantity जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो urine जो है वो concentrated हो जाता है. Means water की निस्बत salts की concentration उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है. As a result क्या होता है कि वहां पे बड़े बड़े से क्रिस्टल सॉल्ट्स के बन जाते हैं और देन वो यूरिन से पास नहीं कर सकते. यूरिन से पास करने की बजाय वो वहीं किडनी के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं. ठीक है, हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड. जब ये क्रिस्टल्स वहां किडनी के अंदर किसी डेप्थ में स्टोर होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, मीन्स जमा होते रहते हैं, देन फाइनली वो हार्ड स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. लुक एट दिस डायग्राम, दीज आर द किडनी स्टोन्स. ठीक है, तो इन स्टोन्स की शक्ल में फाइनली वो आ जाते हैं. अब वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जो किडनी के अंदर स्टोन फॉर्म कर सकते हैं? यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है, ये वो सारे सॉल्ट्स हैं जो किडनी के अंदर क्रिस्टल्स मेक करते हैं, देन उन्हीं क्रिस्टल से फाइनली स्टोन्स बना देते हैं. नाउ लुक एट द अकरेंस के ये स्टोन्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं. नंबर 1 किडनी में, नंबर 2 यूरेटर में एंड नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टोन्स जो हैं इन क्रिस्टल्स की डिपोजिशन होती ही यहाँ है किडनी के अंदर. ठीक है, यहाँ डिपोजिट हो जाते हैं सॉल्ट्स और क्रिस्टल्स जो हैं देन फाइनली स्टोन की फॉर्म में आ जाती हैं. देन समटाइम्स तो यही किडनी में ही स्टे करते हैं, बट समटाइम्स दे लीव द किडनी एंड मूव टूवर्ड्स द यूरेटर. वो किडनी को छोड़ के यूरेटर में यहाँ एंटर हो जाते हैं. तो ये स्टोन हमें किडनी में भी नजर आ सकता है या इस यूरेटर में भी पाया जाता है या फाइनली यूरेटर से निकलने के बाद यहाँ ब्लैडर के अंदर हमें नजर आता है. व्हाट आर द कॉजेस, क्या रीजन है ये स्टोन्स क्यों बन जाते हैं? नंबर 1 इज द एज फैक्टर. ठीक है, एज के बढ़ने के साथ साथ किडनी में स्टोन का बनना जो है वो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं. नंबर 2 अल्कोहल कंजप्शन, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स का इनटेक करने से जो है उससे भी किडनी में स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं. नंबर 3 लेस इनटेक ऑफ वाटर. लेस इनटेक ऑफ वाटर मीन्स के पानी का कम पीना. पानी के कम पीने से यूरिन जो है वो डाइल्यूट बनने की बजाय कंसंट्रेटेड बन जाता है. ठीक है, उन सॉल्ट्स को यूरिन के थ्रू फिर रिमूव करना मुश्किल होता है. तो लेस इनटेक ऑफ वाटर होगा तो किडनीज के अंदर उन सॉल्ट्स की डिपोजिशन ज्यादा होगी. नंबर 3 इज द डाइट. समटाइम्स अगर डाइट के अंदर ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ली जाए, बहुत ज्यादा सॉल्ट्स यूज किए जाए या विटामिन सी एंड डी की कंजम्पशन ज्यादा ली जाए तो उसकी वजह से भी किडनी में स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं. देन लास्ट इज द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस. यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शंस होने की वजह से, रदर की इन्फेक्शंस जो हैं वो वायरल हैं या बैक्टीरियल हैं, ठीक है, तो उन जम्स की वजह से जब यूरिनरी ट्रैक में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी किडनी में स्टोन करने का रीजन बनते हैं. नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स. किस तरह से पता चलता है कि किसी पर्सन को किडनी में स्टोन है? नंबर 1 स्वेयर पेन. जो पेशेंट है उसको किडनी में या लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन फील होता है. नंबर 3 वॉमिटिंग. ऐसे पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है. ठीक है,
नंबर थ्री फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मीन बार बार जो है वो यूरिन पास करना. देन लास्ट इज द स्मेल, फाउल स्मेल ब्लड पास इन द यूरिन. ठीक है, ऐसे पेशेंट के यूरिन से एक खास किस्म की स्मेल आती है. ठीक है, डर्टी सी स्मेल होती है. देन समटाइम यूरिन के साथ ब्लड और पस भी नजर आता है. लेट्स सी द ट्रीटमेंट. क्या ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं किडनी के किडनी स्टोन के पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए. नंबर वन, प्लेंटी वाटर इनटेक. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटर इनटेक जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए. बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारे ब्लड के अंदर कंसेंट्रेशन जो सॉल्ट की है वो नॉर्मल रहे और यूरिन जब बने तो डायल्यूट बने. ठीक है, क्योंकि यूरिन के अंदर जब सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है देन वो क्रिस्टल से फाइनली स्टोन की फॉर्म में चले जाते हैं. नंबर टू, सर्जिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, अब जब किडनी में स्टोन बन गया तो इसका नेक्स्ट जो सोल्यूशन है वो क्या है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाए. मीन सर्जरी करके, ऑपरेट करके जहां पे भी स्टोन है उसे वहां से निकाल लिया जाए. देन लास्ट वन इज द लिथोट्रिप्सी. बिकॉज सर्जिकल ट्रीटमेंट इज अ टफ टास्क. ठीक है, लिथोट्रिप्सी जो है ये लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक है, एक न्यू टेक्निक है जिसमें पेशेंट को ऑपरेट करने की बजाय जस्ट नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स यूज करते हुए किडनी के अंदर से स्टोन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. ठीक है, वो ये शॉक वेव्स क्या करती हैं, इस किडनी के ऊपर पड़ के इसको ब्रेक डाउन करती हैं. देन ये जो स्टोन है ये सैंड ग्रेन्स की फॉर्म में आ जाता है. देन यूरिन के थ्रू बॉडी के अंदर से पास कर दिया जाता है. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है लिथोट्रिप्सी. मोस्टली आ जाया करती है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में. लिथोट्रिप्सी मीन्स, लिथो मीन स्टोन एंड ट्रिप्सी मीन टू कट डाउन और ब्रेक डाउन. तो लिथोट्रिप्सी मीन बाय द यूज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स मीन्स लाइक एक्सरेज वगैरह को यूज करते हुए इस स्टोन को ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना. ओके, देन फाइनली ये यूरिन के अंदर से पास करवा दी जाती है. नेक्स्ट इज द किडनी फेलियर. किडनी फेलियर मीन कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज फंक्शन. मीन्स किडनी का या तो बिल्कुल ही फंक्शन करना छोड़ देना या किडनी के कुछ पोर्शन का फंक्शन करना छोड़ देना. व्हाट आर द कॉजेस, किडनी फेलियर के कॉजेस क्या क्या हैं? नंबर वन, डायबिटीज. डायबिटीज मीन, डायबिटीज मेलिटस मीन शुगर. ठीक है, जिसको हम आम लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं, यानी वो पेशेंट जिनके यूरिन के साथ शुगर पास होने लग जाती है, यानी किडनी जो है वो शुगर को फिल्टर नहीं कर पा रहा होता बल्कि उसे यूरिन के थ्रू पास करवाया जाता है. नंबर टू इज द हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मीन बहुत ज्यादा टेंशन लेना. ड्रग ओवरडोज, यानी किसी भी ड्रग की क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा इनटेक कर लेना, स्पेशली ऐसे ड्रग्स जिनके अंदर स्टीरॉयड्स की क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा. फाइनली इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी. मीन्स किसी भी वजह से अगर किडनी को ब्लड की सप्लाई रुक जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड ही ना पहुंच पाए किडनी को, देन दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ किडनी फेलियर. व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसे पता चलता है कि किसी पेशेंट को का किडनी जो है वो फेल हो गया है? नंबर वन, वेट लॉस. ऐसे पेशेंट का वेट तेजी से लॉस होने लग जाता है. नंबर टू, नोजिया. नोजिया जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को इरिटेशन फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होती है, स्पेशली इन स्टमक. ठीक है, मतली वाली कंडीशन होती है. देन वॉमिटिंग, देन ब्लड इन द यूरिन, यानी ऐसे पेशेंट के यूरिन में ब्लड आने लग जाता है. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मीन बार बार यूरिन का पास करना. अच्छा, ब्लड के अंदर क्या और क्या सिम्टम्स नजर आती हैं ऐसे पेशेंट के? हाई लेवल ऑफ यूरिन ब्लड. ब्लड के अंदर यूरिया की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस. ऐसे पेशेंट्स का के फेस में, फीट में और लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स सांस उखड़ने लग जाता है या सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी आती है. व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, देयर आर द टू ट्रीटमेंट्स. नंबर वन इज द डायलिसिस एंड नंबर टू इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन.
किडनी डायलिसिस एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि वो फंक्शन जो किडनी परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, मींस किडनी का काम ही क्या है, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है, ब्लड को क्लीन करना, बट जब किडनी फेल हो गया है वो ब्लड को क्लीन नहीं कर पा रहा, तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से एक मशीन जिसे डायलाइजर बोलते हैं वो यूज करते हुए ब्लड को क्लीन करवाया जाता है. देन सेकेंड इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन. ऐसी कंडीशन जब डायलिसिस भी करना पॉसिबल ना रहे उस पेशेंट का, देन किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी पेशेंट का अपना किडनी निकालकर उसकी जगह जो डोनर है हेल्दी जो पर्सन है उसका किडनी उसको डोनेट कर दिया जाता है और उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट.